हेलो गाइस, मैं हूँ मोहम्मद सोहेब। आप देख रहे हैं कुकिंग गुरुजी। तो ये आज हम पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, प्याज आलू की पकौड़ी। ये देखिए बना के तैयार किए गए हैं, कितनी लच्छेदार पकौड़ी बनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 प्याज ले लेंगे और 1 आलू ले लेंगे। प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, आलू को इस तरीके से छिलनी की मदद से हम काट लेंगे। अब ये दोनों को हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। एक गमला ले लेंगे और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हम लोग ऐसी रेसिपी लाते हैं जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद प्याज आलू के बाद हमने 4-5 हरी मिर्ची काटी हुई ले ली है। उसके बाद ये आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। हल्दी हमने डाल दी है 1/2 टीस्पून से कम, और अजवाइन डाली है, फिर उसके बाद मंगरेला डाला है। उसके बाद इसकी अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। बेसन हल्का हल्का डालते रहेंगे और इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी नहीं लाते हैं, ऐसी रेसिपी लाते हैं जो आपके घरों में मौजूद हो। ऐसे सामान जो इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद हो आसानी से मिल जाए। और ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे। और इस तरीके से बेसन डाल के हल्के हल्के पानी, हल्का हल्का पानी डालना है। उसके बाद इस तरीके से मिक्स करते रहना है, और मिक्स इसमें ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा, बहुत हल्का। आप देखते रहें, प्याज और आलू उभरे उभरे दिखने चाहिए ताकि हमारी पकौड़ी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अब ये देखिए, ऑयल में हमने गरम कर लिया था, उसमें हम डाल रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगी। ये शाम को चाय पे बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी खाने में। ये देखिए हमने डाल दिया है ऑयल में, और ये हाई फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम करके रखेंगे। और ये देखिए हमने पकौड़ी डाल दी है। इसको फिर अगर ऊपर का ब्राउन हो जाए तो फिर इसको पलट देंगे, इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी ब्राउन हो गई है। तो अब ये देखिए, अब हम इसको निकालने लगे हैं पहली मरतों में। अब ये देखिए कितनी ही अच्छी और लच्छेदार पकौड़ी हुई है, तैयार हुई है। इस पकौड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, लोगों की पकौड़ी नरम हो जाती है, और आलू प्याज की पकौड़ी नरम अच्छी नहीं लगती है। जो लच्छेदार पकौड़ी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस वजह से हम लोग, और इसके डालने का तरीका यह है कि इसको गोल करके हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हाथ से उठाएंगे और डाल देंगे, ताकि प्याज हमारी इधर उधर निकले रहे, आलू निकला रहे। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा, क्रंची टेस्ट आता है और खाने में बहुत मज़े का होता है। आप शाम को लें, चाय के साथ लें, सुबह नाश्ते में आप बना सकते हैं। ये देखिए अब हमारी दूसरी मर तो निकल रही है। अब हम आप इसको टेस्ट आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारी पकौड़ियाँ निकल गई हैं। तो ये देखिए कितनी क्रंची पकौड़ी निकली है, टेस्टी, बहुत मज़े की निकली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।